सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे हम गूगल शीट के अंदर क्यूआर कोड्स को जनरेट कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट, वो आपका यूआरएल हो सकता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, टेलीफोन नंबर हो सकता है, कुछ भी जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में है उसका हम एक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको हम कहीं भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक न्यू शीट ओपन कर लेते हैं। इस शीट को हम अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे देंगे। अब क्यूआर कोड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए कोई भी टेक्स्ट। यहाँ पर मैं कुछ यूआरएल्स पेस्ट कर लेता हूँ। अब क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए हम एक एपीआई कोड का यूज करेंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर हमको एक रूट यूआरएल मिल जाती है और इसके हमको 5 पैरामीटर्स बताने होते हैं। इन पैरामीटर के अंदर 3 हमको कंपल्सरी बताने हैं, बाकी 2 ऑप्शनल हैं। यहाँ पर पहला पैरामीटर है CST=QR, मतलब हम क्यूआर कोड जनरेट करेंगे। इसका सेकंड पैरामीटर है, हमको उसका साइज बताना होता है कि हम क्यूआर कोड का कितना साइज रखना चाहते हैं। लास्टली हम बताएंगे कि उस क्यूआर कोड के अंदर हमारा क्या डाटा होने वाला है। यहाँ पर हम रूट यूआरएल और इन 3 पैरामीटर्स को कॉपी कर लेंगे। क्यूआर कोड जनरेट करते हैं तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इमेज फंक्शन का, इक्वल इमेज ब्रैकेट। अब सबसे पहले ये हमसे पूछता है यूआरएल। यहाँ पर हम यूआरएल पेस्ट करेंगे जो हमने यहां से कॉपी किया है, कोटेशन मार्क और यूआरएल को पेस्ट करेंगे। अब हम बताएंगे अपना पहला पैरामीटर। पहला पैरामीटर था कि हम अपना क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं, इसको कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देते हैं। एंड अब हम अपना सेकंड पैरामीटर बताएंगे। सेकंड पैरामीटर है हमारा कि हमको अपने क्यूआर कोड की ब्रेथ और हाइट बतानी है, इसको कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देते हैं। यहां पर हम ब्रेथ और हाइट मेंशन कर देते हैं। अब हम बताएंगे अपनी लास्ट आर्गुमेंट। तो लास्ट आर्गुमेंट है हमारी कि किस डेटा का हम क्यूआर कोड क्रिएट करना चाहते हैं, उसको हम यहां पर बताएंगे। लास्ट आर्गुमेंट को कॉपी करते हैं जो कि है CHL=data, इसको यहां पर पेस्ट कर देते हैं। कोटेशन मार्क क्लोज करेंगे। यहां पर हम डेटा को टाइप कर सकते हैं या जिस भी सेल के अंदर वो डेटा है उस सेल का रेफरेंस दे सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। क्यूआर कोड यहां पर हमारा जनरेट हो जाएगा। यहां पर मैं सेल का साइज बढ़ा देता हूं। यहां से हम इसको सिंपली नीचे ड्रैग कर बल्क में क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा डायनामिक क्यूआर कोड जनरेटर क्रिएट हो चुका है। इनको आप PDF के अंदर सेव करके शेयर कर सकते हैं या कहीं भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।